हेलो। तो यार कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो इस वाले मैच में तो हम मिलिट्री बेस उतर गए थे और सामने सिविल लिंक के उस तरफ बहुत सारे एनिमी उतरा था। और यहाँ पे तो पहले हम एक बॉट को टपका ही लेते, उसके बाद दोस्तों सामने की ओर से बहुत गोलियों की आवाज़ आने लग रहा था, आप सुन ही सकते हो। तो तबाही तो अभी से स्टार्ट होगा, तो आगे देखते रहना गाइस। मेरे पास तो EMP-45 और आगे बहुत सारे बंदे फाइट ले रहा है। यहाँ पे मैं दूर से ही थर्ड पार्टी करके एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और मुझे थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से फाइट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा टीममेट पीछे से भी एक बंदे को नॉक कर देता है, तो कुल मिला के इन स्क्वाड का दो बंदा फिलहाल नॉक है। और ये देखो पीछे रिवाइव दे रहा है, तो इसको पकड़ के हो चुका है 3 नॉक। और लास्ट वाला बंदा इन स्क्वाड का अभी भी जिंदा है, तो देखते हैं वो बंदा हमें कहाँ पर मिलता है। फुटप्रिंट तो मिल रहा है हमें, और ये लो इसी के साथ ये वाला स्क्वाड पूरा फिनिश। और यहाँ पे दोस्तों इस वाले बंदे के कैरेट हम लूटने ही जा रहे थे, लेकिन भाई और एक स्क्वाड आ गया और हमारे ऊपर ही पूरा अटैक ही कर दिया। तो आगे पूरा देखते रहना, यहाँ से बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और दोस्तों जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये वाला वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना। फिलहाल तो ये वाला स्क्वाड का भी एक बंदा हो चुका है नॉक और ख़त्म भी होने वाला है बहुत ही जल्द। ये लोग ख़त्म भी हो गया। और यहाँ पे दोस्तों दो ही फुटप्रिंट मिल रहा था, लगता है ये वाला स्क्वाड का भाई दोनों बंदा ही है यहाँ पे। तो और एक बंदा को ढूंढ रहे थे हम, और ये भाई आसमान से टपका मेरे ही सामने और पूरा डिब्बा ही चमक गया इनका। तो यहाँ से तो लूट वगैरह करके हम निकल गए थे और फ्लैट भी मिला था एक, तो यहाँ पे चला दिया था। और ये देखो इसमें क्या निकला, ग्रोजा और ओम। पहले तो मैंने यहाँ से ग्रोजा उठा लिया था, लेकिन भाई बाद में लग रहा था नहीं आज ओम चलाएंगे, तो एक नंबर से ओम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, देखते वो देता है कि नहीं। भाई हाँ वो दे दिया, लेकिन बदले में भाई ग्रोजा ले लिया उसने, तो कोई बात नहीं ओम तो चलाएंगे। अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई कैसे बच गया ये, लगता है लेवल 3 का वेस्ट पहना होगा। तो सामने और एक ही बंदा है, तो उसको टपकाने के बाद यहाँ पे शायद ये वाला स्क्वाड फिनिश हो जाए। किधर है रे बाबा? ओ नहीं, एक नंबर ने भाई इसको नॉक ही कर दिया, बहुत बढ़िया एक नंबर। तो इसको हमने फिनिश भी कर दिया, लगता है ये वाला बंदा आखिरी नहीं था, और भी एक बंदा होना चाहिए आजू बाजू, तो बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं भाई यहाँ पे और नहीं रहेंगे, अगर कहीं लेटा बेटा होगा तो भाई मेरा डिब्बा ही डायरेक्ट ऊपर पहुँचा देगा, यानी चमका देगा। तो जल्दी से एक नंबर को लेके यहाँ से निकलते सामने की ओर, बंदे को फिनिश करने चलते। यहाँ पे आते ही दोस्तों हम नॉक हो जाते हैं, लेकिन फिकर की कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कवर है, तो मैं तो रिवाइव हो जाऊँगा, और इन लोगों को कौन ही बचाएगा। तो आप देखते रहना, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा फाइट होने वाला है, ये वाला फाइट आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, तो देखते रहना। और इस गेम प्ले अगर पसंद आ रहा है तो अभी जाके लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब गेम प्ले देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बंदा सामने आ चुका है, अब आगे इसका क्या होगा भाई यही जाने। इस वाले क्लच के बाद जिन्होंने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जाके कर दो। आप लोग किसके लिए इंतजार कर रहे हो,
क्योंकि आगे का गेम प्ले और भी खतरनाक होने वाला है, इसलिए आगे का गेम प्ले देखते रहना दोस्तों। ये लो, ये दो बंदे भी गया। एक नंबर ने इसमें से एक को नॉक किया था और दूसरे वाले ने इसको ही नॉक कर दिया। फिलहाल तो इसको फटाफट से रिवाइव दे थे क्योंकि पीछे भाई और भी बंदे आ रहे हैं हमारे तरफ। ओम का भी शॉट दे रहा है एक बंदा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ही होता है। ओ भाई, एक बंदा तो बिल्कुल पास ही आ गया था और हमारा एक नंबर यहाँ पे फिर से नॉक हो चुका है। तो इसको फिर से रिवाइव देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि भाई जोन देखो भाई कितना छोटा हो गया है और हिल भी बहुत तेज़ी से खड़ा है। और यहाँ पे जो कि दोस्तों एक नंबर को कार से उन लोगों ने फेंक ही दिया था क्योंकि उसका हिल भी बहुत ही लो हो गया था जोन के काटने से। तो क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे हम, देखते आगे क्या ही हो पाता है। फिलहाल तो यहाँ पे चार बंदा अलाइव है, यानी मुझे छोड़ के और तीन। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो गया था गिली शूट का। यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे लेट गया था मैं, तो पीछे एक बंदे का फुटस्टेप का साउंड मुझे मिल गया था। अब इसको बचाने के लिए इसका टीममेट ज़रूर आएगा यहाँ पे, तो मैं एक नेट भी फेंक देता हूँ ये वाले बंदे को ख़त्म करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद भाई इसका टीममेट भी आ जाता है और यहाँ पे देखना स्मोक होगा। अब इन दोनों बंदे को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे और भी एक बंदा जिंदा था इन स्क्वाड का, जो कि लास्ट वाला बंदा है। तो उसको हम ढूंढ रहे थे और यहाँ पे लेट गए थे हम क्योंकि वो भाई कहाँ पे लेटा हुआ है हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद देखा तो भाई अचानक से चिकन ही हो गया, लगता है वो भाई जोन में ही टपक गया। तो क्या ही कर सकते हैं, चिकन तो अपने नाम हम कर ही लिया। आप लोग शायद लाइक और सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे, तो मिलते हैं अगले गेम प्ले में। बाय बाय।